ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 16 जुलाई 2021 को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है और सूर्य अभी मिथुन राशि में थे, बुध के साथ युति करे हुए थे और अब ये 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में सूर्य का जो प्रवेश होगा ये गोचर होगा, ये एक महीने के लिए होगा, 17 अगस्त तक रहेगा। देखिए ये एक महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, एक महीने में किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, चलिए इस वीडियो में हम सभी कुछ जानेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपका बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी चीज़ों में क्या बदलाव होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं 16 जुलाई 2021 के सूर्य गोचर के बारे में, सूर्य का ये गोचर तुला राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें सूर्य जो हैं वो हर महीने राशि बदलते हैं, लगभग 30 दिनों तक इनका एक राशि में गोचर होता है और सूर्य को हमारी पद प्रतिष्ठा शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। और देखिए कर्क राशि जो होती है ये नारीवाद राशि है, पोषण व्यक्तित्व देखभाल की राशि होती है और देखिए ये जिम्मेदारियों का एहसास कराती है, हर विषय के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने की तरफ ये हमें प्रेरित करती है। दोस्तों अब सूर्य का ये गोचर इस राशि में होगा तो देखिए सूर्य का ये गोचर इन सभी चीजों पर काफी इफेक्टिव होगा और यहाँ पर ये आपके रवैये को रक्षात्मक बनाएगा। देखिए एक महीने का ये गोचर तुला राशि के लिए बहुत ही ज्यादा अलग तरह से इफेक्ट लेकर आया है। दोस्तों आपको बता दें तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य आय भाव के, लाभ भाव के, एकादश भाव के स्वामी हैं और अभी आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। और देखिए 10वां भाव कौन सा होता है, जिसमें आपके करियर को देखा जाता है, यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा को, आपके कर्म को देखा जाता है, पेशेवर जीवन को देखा जाता है। दोस्तों एक बात आप समझ लें कि यहाँ पर ये एक महीना तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समय लेकर आया है। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए कार्य क्षेत्र और नौकरी व्यापार में हर तरह से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ अब आपके जीवन में आएंगी। ये महीना ऐसा होगा जब आपको अपनी परियोजनाओं को, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी ही आसानी से सफलता देखने को मिलेगी और इस दौरान जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, यानी जो व्यक्ति जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अगर जी जान से आप लगाकर मेहनत करते हैं तो देखिए आपके लिए ये समय, ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छे अवसर अब आपको इस महीने में प्राप्त हो सकते हैं, आप अपने नाम को, अपने व्यक्तित्व को बड़ा ऊंचा बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी की गई मेहनत रंग लेकर आएगी, व्यवसायिक तौर पर भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और देखिए यहाँ पर अपनी असाधारण तकनीकों के साथ आप अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने व्यापार धंधे को काफ़ी मजबूत स्थिति में आप लेकर जा सकते हैं। दोस्तों आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये सभी के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, चाहे तुला राशि के पुरुष हों या फिर स्त्रियां हों। और देखिए इस राशि की जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था या कहीं पर टेस्ट दिया था, एग्जाम दिया था, अच्छी नौकरी आप पाना चाहते थे या प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठना चाहते थे, तो यहाँ इस महीने में भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। यानी अगर इस महीने में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या आपका रिजल्ट आता है तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। और अगर आप देखिए प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो देखिए वहाँ भी अब आपको पदोन्नति मिलेगी, प्रशासन मिलेगा, आपके काम की सराहना होगी, हो सकता है किसी महिला मित्र की मदद से इस दौरान आपको अच्छा प्रॉफिट हाथ लग जाए या कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो जाए जिसके कारण आपकी महिला मित्र आपका सपोर्ट करेगी, महिला सहकर्मी देखिए आपका बड़ा साथ देगी, इसके लिए आप उनको धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपके पिता आपको इस दौरान बड़ा समर्थन देंगे, उनका सपोर्ट आपके साथ होगा। जी हाँ, अगर आपके पिता भी किसी कार्य से जुड़े हैं, कोई काम करते हैं, तो उन्हें भी अब अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी, उनको भी अपने कामकाज में बड़ी उपलब्धि देखने को मिलेगी। बाकी आप इस महीने में भौतिक सुख सुविधाओं में भी काफ़ी आपके इजाफा होता हुआ नजर आएगा। अब आपको देखिए इस, हालांकि कहीं कहीं बीच में मानसिक अशांति आपको रह सकती है, आपकी शांति थोड़ी सी भंग हो सकती है,
लेकिन ऐसी स्थितियां देखिए बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, मगर आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकजुट होकर हर परेशानी से डटकर सामना आपको इस महीने में करना है। अपने कामों पर लगे रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, तो ही आपके लिए ये समय उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई देते हैं तो आप दान पुण्य के काम जरूर करें, जिनको दान पुण्य की जरूरत हो, या आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ पर हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पर आप लोगों की मदद भी करेंगे, जिससे समाज में आपका नाम बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे और समाज में आपके नाम की प्रसिद्धि होगी। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो सूर्य का ये गोचर तुला राशि के लिए एक उत्तम रिजल्ट लेकर आया है। अब देखिए, जरूरतमंदों को इस महीने आप भोजन जरूर कराएं, जो दिव्यांग हैं उनकी मदद करें, सहायता करें, कपड़ा चप्पल इन सभी चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। आपके अगर आपके पिता सामान कोई जातक है तो उनका सम्मान करें, इससे आपको और अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो साझेदारी में व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो उनको इस समय काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद से कहीं गुना अधिक फायदा अब इस महीने में आपको होने वाला है। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे वहीं से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, हर काम आपके सफल होंगे। या अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत आप इस महीने में करते हैं तो जरूर करें, ये गोचर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देगा। सूर्य अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे, बस समझदारी से आपको हर काम करना है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे जो कानूनी मुद्दे हैं अगर आपके चल रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ी सी तकलीफें हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला है तो बहुत ज़्यादा उसमें सावधानी बरतनी है, और अगर आपका कानूनी मुद्दा नहीं चल रहा है तो तब तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति होगी, यानी कोर्ट कचहरी में अगर आपके किसी तरह का कोई केस चल रहा है, जमीनी प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो वहाँ अब आपको विजय प्राप्त होगी, परंतु आप सावधानी से चलिएगा, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। साथ ही देखिए, इस एक महीने के अंतराल में आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, आप अपने सभी दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके शत्रु भाव में भी है, इसलिए यहाँ पर अपने दुश्मनों पर विजय हासिल होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, आप अपने शत्रुओं पर भी हावी रहेंगे, जिससे वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और देखिए, अगर बात करें सेहत की, स्वास्थ्य की, यदि आपको पिछले समय से कोई बीमारी थी या कोई बड़ी परेशानी चल रही थी तो अब आपकी वो परेशानी हल होगी, और देखिए आपको पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, जिसके चलते आप जल्दी ही बीमारी से बाहर निकलेंगे और निश्चिंत होकर अपने सभी कामों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो देखिए आपके लिए भी ये महीना बड़ा शुभ रहेगा, उपलब्धियां भरा रहेगा, बहुत ही अच्छी खुशखबरियां इस महीने में आपको प्राप्त होंगी, ऐसे अवसर आपको देखने को मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, आप खुद को इम्प्रूव कर पाएं, आगे बढ़ पाएं, तो इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, परिश्रम करने हैं, भाग्य के भरोसे इस महीने ना बैठें। देखिए, नए नए अवसर अब आपके सामने आएंगे, अगर किसी भी तरह का कोई अवसर आपके पास आता है तो आप उसको हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, उनको स्वीकार करने की कोशिश करें। इसके अलावा 30 दिनों के अंतराल में अगर किसी इंटरव्यू का आप हिस्सा बनते हैं तो वहाँ आपका प्रदर्शन काफ़ी काबिले तारीफ होगा, पूरे पूरे चांसेस हैं रोजगार की प्राप्ति के, और आपका सिलेक्शन हो सकता है, मनचाही नौकरी आपको मिल सकती है। यहाँ पर यात्राओं का योग भी आपके लिए बना हुआ है, तो इस दौरान कार्य से संबंधित कुछ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं जो काफ़ी सफल रहेंगी। बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का ये समय होगा, ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन जो यात्राओं का योग है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। अब देखिए, छठे भाव में सूर्य बैठे हैं और कर्क राशि में ये विराजमान है, तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जो कि मन के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मन आपका बातों को लेकर पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा भावुक हो सकता है, इसलिए मन को थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर भावुक ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें, पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी बात की जाए दाम्पत्य जीवन की, प्रेम जीवन की, तो देखिए दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, सूर्य का प्रभाव आपकी लव लाइफ पर इतना बुरा नहीं पड़ेगा, आप अपने साथी के साथ अच्छा समय एंजॉय करेंगे, उनका साथ देंगे, और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो भी ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपका प्रेम संबंध विवाह संबंधों में परिवर्तित हो सकता है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, इसके लिए आप अपने घर परिवार वालों के साथ एक बातचीत जरूर करें, हो सकता है वो आपको उनकी रजामंदी मिल जाए, जिसे सुनकर आप काफ़ी प्रसन्न हों। स्थितियाँ हर तरह से अनुकूल परिणाम देती हुई नजर आ रही हैं, इनका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, उपाय के तौर पर इस महीने में सूर्य के कुछ उपाय बता देते हैं, आपके लिए हितकर साबित होंगे। क्या करेंगे, देखिए इसके लिए गुड़ का दान करें, हो सकता है,
या फिर आप गेहूं का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों का दान करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। गेहूं से बनी रोटी किसी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।